नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। पलासिया थाने पर आने वाली प्रताड़ित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से रोजगार दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए 7 दिसंबर को महिला स्वावलंबन टैक्स की शुरुआत की गई थी, जिसका शुभारंभ इंदौर आईजी हरिनारायण चारी मिश्र द्वारा किया गया था। स्वावलंबन डेस्क के माध्यम से अब तक 8 महिलाओं को रोजगार प्रदान किया गया है, जो पेट्रोल पंप से लेकर मॉल सहित अन्य संस्थाओं में कार्यरत हैं। महिला थाना प्रभारी ज्योति शर्मा के अनुसार, महिला थाना परिसर में ही एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर 20 से अधिक महिलाओं को कपड़े के बैग बनाने का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें से 5 महिलाओं को सिलाई मशीन भी दी गई ताकि वो अपने घर से ही काम कर सकें। इसके साथ ही महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे सामानों को भी बाजार में उपलब्ध कराने का प्रयास थाना स्तर पर किया जा रहा है। महिला थाना प्रभारी ज्योति शर्मा के अनुसार, भविष्य में भी स्वावलंबन डेस्क के माध्यम से महिलाओं को रोजगार दिलाने का प्रयास जारी रहेगा, जिसको लेकर सामाजिक संगठनों से भी सहयोग प्राप्त हो रहा है। कि ये अप्रिशिएशन हमें हमारे आईजी सर, एडीजी सर की तरफ से मिला, समय समय पर जो उनके द्वारा बताया गया कि कानूनी मदद के साथ साथ हम क्या मदद कर सकते हैं महिलाओं की, उस पर हमने एक नई पहल की। एडिशनल एसपी जो हमारी मनीषा पाठक मैडम है, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया और हमने सोचा कि क्यों ना हमारे थाने में आने वाली ऐसी महिलाएं जो पीड़ित हैं किसी भी प्रकार से, यदि वो उनके पास कोई रोज़गार नहीं है और तो उन्हें क्यों ना वो प्रदाय किया जाए। तो हमने इंडिविजुअली पहले तो पर्सनल अपने टर्म्स पे कोशिश की, लेकिन अब इंदौर के काफ़ी सारे जो बिज़नेस ग्रुप्स हैं वो भी आ रहे हैं। उनका कहना है कि यदि आपके पास कोई इस तरह की महिला है जिसको काम की आवश्यकता है, तो उसके अकॉर्डिंग टू उसके एजुकेशन हम उसको काम दे सकते हैं। तो अभी जब 7 दिसंबर को आईजी सर हरिनारायण चारी मिश्र सर ने इसका उद्घाटन किया था, तब प्रथम जैसे हमने 3 महिलाओं को विभिन्न कंपनियों में लगाया। उसके बाद हम 5 महिलाओं को और पृथक पृथक लगा चुके हैं, अपना उषा राज पेट्रोल पंप में, टीआई मॉल में। उसके बाद हमने एक वर्कशॉप आयोजित की थी यहाँ महिला थाने में, उसमें हमने एक एनजीओ है साक्षी सेवा समिति करके, उसमें सीमा जी हैं, उनके साथ मिलकर हमने महिलाओं को कपड़े की थैलियाँ बनाना, पेपर के बैग बनाना और कार्ड्स बनाना, ये सब हमने सिखाया। और उनको हमने विभिन्न समाज सेवियों ने हमें महिला थाने को जो सिलाई मशीन दी थी, अभी हमने 2 महिलाओं को वो सिलाई मशीन प्रोवाइड की है कि वो अपने घरों से थैलियाँ बना रही हैं, वो अपने घरों से मास्क बना रही हैं और प्रोवाइड भी कर रही हैं और आत्मनिर्भर भी हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं। और हमारी जो और बाकी महिलाएँ हैं उनको हम अभी सिखा रहे हैं, जैसे ही वो सीख लेंगी हम उनको सिलाई मशीन प्रोवाइड करेंगे। और हमारा ये प्रयास माँ अहिल्या स्वावलंबन डेस्क महिला थाना इंदौर के अंतर्गत अनवरत जारी है। और हमारे साथ जो हमारी पूरी टीम है, जिस टीम में हमारा पूरा महिला थाना है, हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि हम कानूनी मदद के साथ साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर भी बनाएं। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।